उस इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बाकी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी हुए हैं रवाना। गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं किसान। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रेन से रवाना हुए हैं भाकियों किसान। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भाकियों कार्यकर्ता और पदाधिकारी रवाना हुए हैं। क्या गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं किसान? फतेहपुर में हुई है युवक की हत्या, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोली मार कर हुई है युवक की हत्या, जिसके चलते वहां के लोगों में मचा है कोहराम। घर के बाहर सो रहे युवक को गोली मारी गई। पुरानी रंजिश में हुई युवक की हत्या। फतेहपुर से इस वक्त की अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। हरियाव थाना के दिमंगतपुर गाँव का है की हत्या। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गोली मार कर एक युवक की हत्या कर दी गई है, जिसके चलते वहां के परिवारजनों में मचा है कोहराम। घर के बाहर सो रहे युवक की गोली मार कर की गई हत्या। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दरबार। मुख्यमंत्री ने हिंदू सेवा आश्रम में सुनी फरियादियों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए हैं कई दिशा निर्देश। फरियादियों का किया गया त्वरित निस्तारण। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां गोरखपुर में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में लगाया उन्होंने जनता दरबार। मुख्यमंत्री ने हिंदू सेवा आश्रम में सुनी कई फरियादियों की समस्याएं, जिसके चलते वहां के अधिकारियों को दिए गए निर्देश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का ट्वीट सामने आया है, जिसमें लाठीचार्ज मामले पर मायावती ने किया है ट्वीट। युवाओं पर लाठीचार्ज करना निंदनीय बताया। सरकार इनकी जायज मांगों पर करे विचार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मायावती ने किया है ट्वीट। ट्वीट में 69,000 शिक्षक भर्ती पर चले कल लाठी चार्ज मामले पर मायावती ने ट्वीट किया है, जिसके चलते उन्होंने युवाओं पर लाठी चार्ज करने एक निंदनीय अपराध बताया। रायबरेली में युवक का शव मिलने से सनसनी मची हुई है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, डामर के टैंक में मिला है युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जगतपुर थाना के विश्वनाथ गंज का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, रायबरेली में युवक का शव मिलने से सनसनी मची है। डामर के टैंक में मिला है युवक का शव, जिसके चलते लोगों में मचा है हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जगतपुर थाना के विश्वनाथ गंज का है ये पूरा मामला। रायबरेली में युवक का शव मिलने से सनसनी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से डामर के ट्रंक से एक युवक का शव निकाला गया है, जिस शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जगतपुर थाना के विश्वनाथगंज का है ये पूरा मामला।